नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरस के लाइफ साइकिल के बारे में। वायरस एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है जो हमेशा ही किसी न किसी लिविंग सेल के अंदर ही ग्रो कर सकता है। कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वायरस मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो जो जीनोमिक इन्फॉर्मेशन होता है वायरल रेप्लिकेशन के लिए, वो वायरस के न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए या आरएनए में होता है, लेकिन वहाँ पे बायोसिंथेटिक इंजाइम्स नहीं होते हैं। इसीलिए वायरस अपने लाइफ साइकिल के लिए होस्ट सेल के ऊपर निर्भर करता है। और वायरस के मल्टीप्लिकेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स होता है एडजॉर्प्शन या अटैचमेंट, दूसरा पेनिट्रेशन, तीसरा अनकोटिंग, बायोसिंथेसिस, मैचुरेशन और रिलीज। यह प्रमुख स्टेप्स जरूरी होते हैं जब भी कोई वायरस किसी होस्ट सेल के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। इस वीडियो में हम इन सारे स्टेप्स के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। बात करें एडजॉर्प्शन और अटैचमेंट की, तो एडजॉर्प्शन और अटैचमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक मेथड होता है, एक स्पेसिफिक स्टेप होता है वायरल रेप्लिकेशन का, जहाँ पे वायरस होस्ट सेल के स्ट्रक्चर के साथ अटैच होता है। उस अटैचमेंट के लिए कुछ लीजेंड्स होते हैं जो सेल के रिसेप्टर के साथ जुड़ के वायरस को सेल से अटैच कराते हैं। उदाहरण के तौर पे इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वहाँ पे सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन हीम एग्लूटिनिन होता है जो बाइंड करता है सिलिक एसिड रेजिड्यू के साथ ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर पे, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल्स के ऊपर पाया जाता है। वहीं एचआईवी के केस में जो ग्लाइकोप्रोटीन GP120 होता है वो एक लीजेंड की तरह वर्क करता है, जो CD4 सेल्स या टी लिम्फोसाइट के साथ जो जुड़ाव है वायरस का उसको मेडिएट करता है। पेनिट्रेशन की बात करें तो आफ्टर बाइंडिंग यानी बाइंडिंग के बाद वायरस पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है, इसी प्रक्रिया को पेनिट्रेशन कहते हैं। यह होता है सिस्टम रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस के द्वारा, जिसको वायरोपेक्सिस कहा जाता है। ज़्यादातर जो नॉन इन्वेलप्ड वायरस होते हैं वो एंटर करते हैं रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस के द्वारा, जहाँ पे सेल के बाहरी वातावरण से वो होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है। इन्वेलप्ड वायरस फ्यूज होते हैं मेम्ब्रेन के साथ सेलुलर मेम्ब्रेन में और डिलीवर करते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड और अपने जीनोम डायरेक्टली होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में। अनकोटिंग की बात करें तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जब वायरल जीनोम किसी न किसी होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर आ गया है तो वहाँ पे वो अपने आप को अनकोट करता है, आउटर लेयर हट जाती है और वायरल कैप्सिड जो है उसका डायरेक्ट संपर्क हो जाता है होस्ट सेल के न्यूक्लियस के साथ। मोस्ट वायरसेस अनकोटिंग जो है वो कई बार लाइसोसोमल एंजाइम के द्वारा प्रभावित होती है या होती है, और ये होस्ट सेल के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो उसको अनकोट करते हैं वायरस के जीनोम को, और जो जीनोम है डीएनए वायरस का पॉक्स वायरस को छोड़ के वो डिलीवर्ड हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जबकि आरएनए वायरस जो हैं उनके जीनोम साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहते हैं। तो यह एक विशेष फ़र्क है डीएनए और आरएनए वायरसेस के अंदर जो हमें देखने को मिलता है। बायोसिंथेसिस की बात करें तो इस फेज में सिंथेसिस होता है कुछ महत्वपूर्ण वायरल न्यूक्लिक एसिड का और कैप्सिड प्रोटीन का, बट यहाँ भी हमें ज़रूरत होती है एंजाइम की, और यह एंजाइम जो वायरल सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, असेंबली के लिए ज़रूरी है, रिलीजमेंट के लिए ज़रूरी है, वह होस्ट सेल से प्राप्त होता है। रेगुलेटर प्रोटीन्स यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं जो सर्व करते हैं शटडाउन प्रोसेस की तरह, यानी कि वो सेल डिवीजन की प्रक्रिया को रोकते हैं, रेप्लिकेशन को रोकते हैं और नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है उसको मेंटेन करते हैं और सीक्वेंशियल प्रोडक्शन करते हैं वायरल कंपोनेंट्स को, एक के बाद एक यह निर्मित करते हैं। तो बायोसिंथेसिस भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेज है वायरल लाइफ साइकिल का, जिसमें न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होता है, और यह न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस काफ़ी आवश्यक होता है ताकि नए वायरस की असेंबली हो सके, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होगा तभी नए वायरस की असेंबली हो सकती है। बायोसिंथेसिस के स्टेप्स की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसमें मैसेंजर आरएनए जो है वो वायरल न्यूक्लिक कैप्सिड बनाता है, न्यूक्लिक एसिड बनाता है, फिर ट्रांसलेशन होता है जहाँ पे एमआरएनए जो है वो अर्ली प्रोटीन्स होते हैं जो इनिशिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं वायरल कंपोनेंट के सिंथेसिस को, फिर रेप्लिकेशन हो जाता है वायरल न्यूक्लिक एसिड का, फिर निर्माण होता है लेट और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का जो कंपोनेंट्स होते हैं डॉटर विरियोन कैप्सिड के, यानी कि जो नए विरियोन बने हैं, जो नए वायरस बने हैं उनके कैप्सिड के अंदर यह स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो हैं
लेट या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ये इंटीग्रेटेड होते हैं और इस प्रकार से बायोसिंथेसिस होता है एक न्यूक्लिक एसिड का किसी न किसी होस्ट सेल के अंदर, जो कि एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। और जब बायोसिंथेसिस हो जाता है तो बायोसिंथेसिस के बाद यह सेल लगभग तैयार रहता है कि वो एक नए वायरल सेल में बदल सकता है। फिर उसकी मैचुरेशन होती है तो असेंबली ऑफ वेरियस वायरल कंपोनेंट्स बनने के बाद विरियॉन्स जब बन जाते हैं तो वहाँ पर रेप्लिकेशन के बाद वायरल न्यूक्लिक एसिड की मैचुरेशन शुरू होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। या तो यह मैचुरेशन न्यूक्लियस में होता है या साइटोप्लाज्म में, यानी कि डीएनए वायरस है तो न्यूक्लियस में होगा, आरएनए वायरस है तो साइटोप्लाज्म में होगा, अगर इनवेलप्ड वायरस है तो इनवेलप डिराइव फ्रॉम द होस्ट सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मैचुरेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाती है। यह मैचुरेशन काफ़ी आवश्यक होता है जहाँ पे जो नया न्यूली फॉर्म्ड डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है वो या तो आरएनए या डीएनए वह अपने आप को इंटीग्रेट करता है, अपने आप में अटैच करता है, अपने आप को मैच्योर करता है ताकि वो रिलीज हो सके। वायरस कैन बी रिलीज फ्रॉम द सेल आफ्टर लिसिस, यानी वायरस किसी न किसी होस्ट सेल से लिसिस के बाद बाहर निकलता है या एक्जोसाइटोसिस के बाद बाहर निकलता है या बडिंग के सहारे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल सकता है। वायरस दैट एग्जिस्ट नेक्ड न्यूक्लियो कैप्सिड, वो वायरस जो एक नेक्ड न्यूक्लियो कैप्सिड की तरह दिखाई देते हैं वह सेल की लिसिस के बाद बाहर निकलते हैं या फैगोसाइटोसिस होता है या जब वहाँ पे रिवर्स फैगोसाइटोसिस हो तब बाहर निकलते हैं। रिलीज ऑफ इन्वेलप्ड वायरस अकर आफ्टर बडिंग, जो इन्वेलप्ड वायरस है वो बडिंग के सहारे बाहर निकलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से विदाउट किलिंग द होस्ट सेल, यहाँ पे होस्ट सेल की किलिंग नहीं होती है। तो ये वो प्रमुख तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके एक वायरस अपने होस्ट सेल से बाहर निकलता है और फिर वो नए होस्ट सेल को टारगेट कर सकता है जहाँ पे यही लाइफ साइकिल रिपीट हो जाती है। तो इस वीडियो को कृपया करके अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा